हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है हमारा जीन प्याजे। ओके, जो कि आज हम करेंगे जीन प्याजे की थ्योरी जो उन्होंने दी थी उनके बारे में। ओके, ये बहुत ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जीन प्याजे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है। ओके, सो हम बात करेंगे। उन्होंने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी? जीन प्याजे। आपने बहुत ही बार मेरे मुंह से सुना होगा, मैं क्लास में बोलती रहती हूँ नाम जीन प्याजे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कब ये क्लास लेके आएंगी, बस बोलती बस रहती है पर लेके नहीं आ रही है। ओके, सो मैंने बोला था कि आप सारी थ्योरी में एक साथ लेके आऊंगी ताकि आप क्या कर सको, सारी थ्योरी में कंपेयर कर सको। ओके, क्योंकि हमें क्या होता है कि जैसे मैं पहले टॉपिक कोई कराती हूँ, उसके बाद कोई थ्योरी करा देती हूँ, फिर कोई टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद थ्योरी कराती हूँ, तो इसमें क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और भूल जाते हो कि कौन सी थ्योरी थी, इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो जब मैं एक साथ सारी थ्योरी कराऊंगी तो आपको डिफरेंसेस भी समझ में आएंगे। ओके, तो आप कंपेयर कर सकोगे कि कौन सी थ्योरी किसके अकॉर्डिंग है। ओके, सो अभी तो कुछ नहीं क्योंकि ये जीन प्याजे की थ्योरी है। अगर और थ्योरी आएंगी, जैसे कि पेवलोव है, स्किनर है, उन लोग की जो थ्योरी आएंगी तो उनके अकॉर्डिंग थ्योरी जो होंगी वो सेम रहती हैं, जैसे कि कुत्ता होना, किसी में कबूतर होना, है ना, पिजन होना, तो ये सारे टॉपिक क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये है क्या, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। ओके, तो मैं सारी थ्योरी एक एक करके डेली का एक एक थ्योरी लेके आऊंगी। ओके, सो आज हमें स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है हर एक एग्जाम में, कौन सी, जीन प्याजे। तो जीन प्याजे थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं, जीन प्याजे जो है वो है हमारे साइकोलॉजिस्ट, रचनावाद हैं ये। ओके, तो जो इन्होंने थ्योरी दी है उनकी थ्योरी का नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उनकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। ओके, सो पहले हम जानते हैं कि जीन प्याजे हैं वो क्या हैं, वो एक रचनावाद हैं। ओके, सो जो जीन प्याजे हैं उन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों की थिंकिंग और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी रीजनिंग के बारे में बताया है। ओके, कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, सो जीन प्याजे जो हमारे हैं ये कहाँ के हैं, सबसे पहले कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जीन प्याजे कहाँ से रिलेटेड हैं, तो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये हैं हमारे स्विट्जरलैंड के। ओके, कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जीन प्याजे, अब जो जीन प्याजे हैं हमारे, तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। अब ये कॉग्निटिव, यानी जो कॉग्निटिव होता है वो वर्ड क्या होता है, उसका मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी संज्ञानात्मक। अब ये संज्ञानात्मक जो होता है वो क्या है, तो ये संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव है वो क्या है, जो कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये संज्ञान क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, संज्ञान क्या है, तो संज्ञान हमारा होता है बुद्धि से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, यानी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी किस में आएंगी, वो हमारी आएंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, सो बौद्धिक या मानसिक जो एक्टिविटीज होंगी वो हमारी किस में आएंगी, वो हमारी आएंगी कॉग्निटिव में। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने किसके जो बुद्धि के बारे में बताया है, तो उन्होंने बच्चों की बुद्धि के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है, जो उसकी थिंकिंग, उसकी रीजनिंग और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके बारे में बताया है। ओके, सो जैसे कि जीन प्याजे ने, इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला गया है, इन्होंने बच्चे को क्या बोला है, तो इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ज्ञान को निर्माण करने की एक्टिविटी, ज्ञान को निर्माण करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि किसके अकॉर्डिंग बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट करिएगा, किसने बोला है, जीन प्याजे ने बोला है। किसने, जीन प्याजे ने। ओके,
सो जीन प्याजे ने क्या बोला है, कॉग्निटिव जीन प्याजे ने क्या बोला है कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है। ओके तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है हमारी, संज्ञानात्मक विकास। अब सबसे पहले जीन प्याजे से क्या क्या पॉइंट उठ के आते हैं, मैं ये सारे टॉपिक सारे पॉइंट क्लियर करूंगी। ओके सो कौन कौन से जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि जीन प्याजे ने क्या क्या बोला है। तो जीन प्याजे ने जो कि हमारे रचनावाद हैं, ओके सो उन्होंने बोला है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है, वो एक्टिविटी करके आता है। जब बच्चे एक्टिविटीज करेंगे तो वो क्या होगा, उनके अंदर विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। ओके अब जो जीन प्याजे हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूड होता है। कैसे मींस जो हमारा डेवलपमेंट रहेगा वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, मतलब सीधे डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके वो कैसे होगा, वो डिसकंटिन्यू होगा, यानी पहले कम होगा, उसके बाद ज्यादा होगा, फिर कम होगा, ज्यादा होगा। मतलब उन्होंने सीधे सीधे बात की है कि एज के अकॉर्डिंग, अवस्था जो स्टेज है, जो एज है, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होता है। ओके सो मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एज होंगी उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज बच्चा करेगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। ओके सो ये बात की है किसने, जीन प्याजे ने। अब जीन प्याजे ने एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या कहा है, जीन प्याजे ने बोला है कि जो हमारा जो भाषा और विचार के फॉर्म में, तो सबसे पहले जीन प्याजे के अकॉर्डिंग विचार क्या होती है, सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद ही भाषा आती है। तो जैसे कि वाइगोत्स्की, आपने नाम सुना होगा, मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी इसके बाद लेके आऊँगी। तो वाइगोत्स्की जो है उन्होंने बोला है कि जो बच्चे में पहले भाषा आती है उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। पर यहाँ पे जीन प्याजे ने बोला है कि बच्चा पहले विचार करता है उसके बाद ही भाषा आती है। तो सबसे पहले विचार आती है उसके बाद भाषा आती है। तो किसके अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के अनुसार जो है सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है, उसके बाद क्या आता है, भाषा आती है। ओके तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो इससे रिलेटेड हम पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर हैं, हम उन फैक्टर को देख लेते हैं। तो अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फैक्टर को पढ़ेंगे कि फोर फैक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओके सो देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला हमारा आएगा, सबसे पहला क्या आएगा हमारा, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन आएगा यानी परिपक्वता, इनको एक एक करके हम समझेंगे कि परिपक्वता क्या है। एंड सेकेंड हमारा आएगा सब क्या, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो अनुभव आएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा थर्ड, थर्ड हमारा आएगा सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन आएगा यानी सामाजिक अन्योन क्रिया। नेक्स्ट हमारा होगा फोर टाइप, जो फोर सॉरी फोर होगा टाइप नहीं फैक्टर। ओके सो फोर फैक्टर, चौथा फैक्टर क्या होगा, इक्विलिब्रेशन। क्या इक्विलिब्रेशन, इसे बोलते हैं हम अनुकूलन, क्या बोलते हैं, अनुकूलन। ओके इक्विलिब्रेशन को अनुकूलन बोलते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे फैक्टर है, यानी जीन प्याजे ने बोला है कि जो जीन प्याजे की संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो किस किस फैक्टर में बेस होता है, वो होता है मैच्यूरेशन, सॉरी
मैचुरेशन, एक्सपीरियंस और सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन ये होता है। ओके सो अब क्या है, हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। तो मैचुरेशन, मैचुरेशन मीन्स परिपक्वता। तो जीन प्याजे क्या कहता है, जीन प्याजे कहता है कि जो बच्चे के अंदर अगर परिपक्वता नहीं है तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि आप अभी परिपक्व नहीं हो, मतलब बच्चा कोई है वो परिपक्व नहीं है, मैं उसमें मैच्योर नहीं है बच्चा, ठीक है, किसी काम को करने के प्रति हर स्टेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूड होते हैं, मतलब कि क्या कि जो अलग अलग स्टेज होती है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज करके बच्चा डेवलपमेंट होता है बच्चे का। ओके सो जैसे कि मैच्योरेशन है यानी परिपक्वता है, तो जिस चीज के प्रति अगर वो बच्चा रेडी नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उस चीज को वो कर नहीं पाएगा। ओके मान लो कि बच्चा पैदा हो गया, मान लो बोलने भी लगा और आप उसे जीन प्याजे थ्योरी पढ़ाने लगो, तो क्या पढ़ लेगा बच्चा, क्या उसे याद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए रेडी नहीं है। ओके सो एक इसे एक थ्योरी होती है, थ्योरी आती है, कौन सी, रेडीनेस टू लर्न। कौन सी थ्योरी, रेडीनेस टू लर्न। ये भी पूछा जाएगा कि रेडीनेस टू लर्न जो थ्योरी है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो वो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के जो मैच्योरेशन है उसके अकॉर्डिंग है। ओके सो अब हम मतलब मैच्योरेशन समझ में आया ना, कि बच्चा जिस काम को बच्चे को दिया जा रहा है वो उसके लिए रेडी हो पहले। ओके पता नहीं कि अगर आप मान लो कि उससे इतना वजन नहीं है, उस मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक बाल्टी पानी उठा के रख सके, और आप उसे क्या कहो कि एक बाल्टी पानी उठा के वहां रख दो, तो क्या बच्चा रख पाएगा, नहीं। ओके सो वो पहले क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए वो। ओके या मेंटल रूप से परिपक्व हो जाए। ओके तब बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सीखेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ओके एंड नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अनुभव। अब जीन प्याजे जो है हमारे वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, यानी उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसका डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, वो अनुभव के अनुसार होता है, यानी वो एक्सपीरियंस लेके ही सीखता है। जब बच्चा कोई एक्टिविटीज करेगा, ओके एक्टिविटीज करने के बाद क्या होगा कि उस वो उससे एक्सपीरियंस लेगा कि ये सही है, ऐसा किया वैसा, मतलब कुछ भी। जैसे कि एक बच्चा है, मान लो ये मार्कर है, अब मार्कर को उसने खोल के देखा क्या है इसमें, ये कैसे लगा हुआ है, सिंक कैसे निकल के आती है, किस कैसे लिखा जाता है इसे, तो उसने क्या किया, इसके बारे में पूरा छाना बीना सब कुछ किया, ठीक है, खोज किया, कुछ भी किया, उसके बाद उसने क्या, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि एक्सपीरियंस किया, उसने अनुभव किया ना उस चीज़ को, तब उसका डेवलपमेंट हुआ कि हाँ मार्कर से लिखा जाता है, इसके अंदर ये चीज़ होती है, कैसे डेवलपमेंट हुआ इसके इस चीज़ के बारे में, तो एक्सपीरियंस के बेस पे हुआ, उसने एक्सपीरियंस किया, उसने एक्टिविटीज़ की, उसके बाद हुआ उसे। ओके तो एक्टिविटी करके एक्सपीरियंस लेके ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये किसने बोला, जीन प्याजे ने बोला। अब नेक्स्ट हमारा सोशल इंटरेक्शन। ओके क्या सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अन्योन क्रिया, मीन्स ये यहाँ पे जो सामाजिक अन्योन क्रिया है ये कम इम्पॉर्टेंट है। ओके डेवलपमेंट के लिए ये कम इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे यही सोशल इंटरेक्शन अगर वाइगोत्स्की में आ जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, पर इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा एक्टिविटीज करके सीखता है, अनुभव करके सीखता है, तो यहाँ पे ये कम इम्पॉर्टेंट हो गया। ओके पर हाँ समाज से तो थोड़ा बहुत सीखता ही है ना। अब नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रेशन। ओके इक्विलिब्रेशन है यानी अनुकूलन। अब ये अनुकूलन क्या है तो हम जानेंगे अनुकूलन को, बहुत ही डिटेल से जानेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि बच्चे में क्या होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, यानी किसी जब बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उस स्थिति में ढल जाए वो, तो ये क्या होता है, अनुकूलन होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या है अनुकूलन। ओके इक्विलिब्रेशन क्या है, अब हम पढ़ेंगे क्या इक्विलिब्रेशन।
इसे बोलेंगे हम अनुकूलन। अब जो अनुकूलन होता है, अब ये क्या है, मींस वो किसी स्थिति में ढल जाए, ओके, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित कर ले, ठीक है, तो ये क्या है, अनुकूलन है, अपने आप में चेंजेस लाना, ओके, तो ये क्या है, अनुकूलन है। तो हम जैसे कि आपने, अब इसमें एक वर्ड है स्कीम, स्कीमा, क्या वर्ड है, स्कीमा, आपने ये जीन प्याजे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है स्कीमा, तो जान लीजिए कि स्कीमा होता क्या है। जो स्कीमा होता है ये क्या होता है, तो देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक, जैसे आपके अंदर स्कीमा क्या है, स्कीमा क्या है, स्कीमा क्या है, तो स्कीमा हमारा, जैसे कि आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है उसका क्या होता है, एक सेट होता है आपके अंदर, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन का सेट जो होता है वो स्कीमा कहलाता है। जैसे कि मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन है किसी से रिलेटेड, मीन्स आपके क्लास से रिलेटेड है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपके अंदर स्कीम, मतलब बहुत सारी क्या है, आपके अंदर जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन है, ओके, अब उन इन्फॉर्मेशन के जो ग्रुप होगा पूरा, जिस जिस चीज़ की आपको जानकारी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका स्कीमा, ओके, क्या कहलाएगा, ये सारा, ये क्या होगा, स्कीमा। बट जो जानकारी होती है, अब ये इनको क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं, जिस चीज की जानकारी होती है उसे स्कीम बोलती है, तो स्कीमा से मिलकर क्या बनता है, स्कीमा बनता है, ओके, तो स्कीमा हो गया आपकी जानकारी, मान लो इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर है वो स्कीमा हो गया, ओके, सो मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन की जगह ये वर्ड यूज करूंगी क्योंकि जीन प्याजे ने स्कीमा वर्ड यूज किया है, ओके। तो अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रेशन में, अनुकूलन में दो चीजें होती हैं, क्या, एक तो होता है अडेप्टेशन, क्या होता है अडेप्टेशन, एंड नेक्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो किसी चीज का समय, मतलब किसी चीज को क्या करना, जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, अपने स्कीमा में संतुलन को बनाना, ठीक है, जो इक्विलिब्रेशन है इसे बोलते हैं क्या, बैलेंस करना, बैलेंस करना या ओके संतुलन बनाना, क्या करना, संतुलन बनाना, ओके, तो अनुकूलन क्या है, संतुलन बनाना ही अनुकूलन है, ठीक है। तो एडेप्टेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, क्या क्या, एक होता है हमारा एसिमिलेशन, और दूसरा होता है एकोमोडेशन, क्या होता है, एकोमोडेशन, यानी इसे बोलते हैं आत्मसात, या आत्मसातकरण भी बोल सकते हैं, ओके, और इसको बोलते हैं समायोजन। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपका KBS हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ओके। तो हमारा आत्मसातकरण भी बोल सकते हैं, आत्मसात भी बोल सकते हैं, ओके, सो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मसातकरण क्या है, समायोजन क्या है। जब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि कोई बच्चा है, तो उसने कोई जानकारी उसके पास है और उस जानकारी में उसने कुछ नया ऐड किया, तो बताओ क्या है, वो समायोजन है या आत्मसात है, तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो आत्मसात क्या है, आत्मसात है जैसे कि आपके अंदर पहले से कोई जानकारी है, ओके, तो क्या है,
अब मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ओके, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं फिर। तो हम यहाँ जानेंगे, तो एसिमिलेशन क्या है, और एकोमोडेशन क्या है, तो एसिमिलेशन यानी आत्मसात और एकोमोडेशन होता है समायोजन। कभी कभी ये हिंदी में लिख के भी आ जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ओके। तो आत्मसात्करण क्या है और समायोजन का क्या है, तो बहुत अच्छे समझिएगा। एसिमिलेशन यानी जो पूर्व ज्ञान है, आपका प्रीवियस नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान है, उसमें क्या करना, नया जो नया ज्ञान है यानी न्यू नॉलेज जो है, उसको क्या करना, ऐड करना। आपकी स्कीमा, अब यहाँ पे वर्ड यूज होगा स्कीमा, आपकी स्कीमा में, जो आपका स्कीमा है उस स्कीमा में कोई नया नॉलेज जो हो वो ऐड हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, आत्मसात हो गया। क्या कहेंगे, आत्मसात हो गया। अब अगर, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर उस स्कीमा में जो पूर्व ज्ञान है उसमें आप क्या करो, नया ज्ञान जोड़ो, पर उस नए ज्ञान को क्या करो, संशोधन उसमें करो। नए ज्ञान में क्या करना है, संशोधन, मींस यानी आपके प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को तो ऐड करना है, पर उस न्यू नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं ओके, कुछ क्या करना है, उसमें संशोधन करना है, सुधार करना है उसमें, ठीक है। तो उस सुधार करके उसको क्या करो, ऐड करो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समायोजन ओके। अब देखो, अब एक सर्कल होता है क्रिएट ओके, तो क्या कि इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रेशन, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एसिमिलेशन किया, एसिमिलेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर से कोई नई चीज देखी, तो फिर आपके अंदर क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। फिर आपने क्या किया, उस एसिमिलेशन में यानी उस एसिमिलेशन जो पहले था, अब क्या किया आपने, एकोमोडेशन किया, एकोमोडेशन किया, यानी अब फिर क्या हो जाएगा, फिर से आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये चक्र चलता रहेगा ओके। समझ में आया, देखो मैं समझा रही हूँ, ये तो हमारा क्या है, संतुलन, मान लो अनुकूलन या संतुलन, और ये है हमारा आत्मसात, फिर है हमारा, फिर क्या है हमारा, असंतुलन। फिर से हमारा, फिर क्या आएगा हमारा, समायोजन। तो ये हम प्रोसेस को पढ़ेंगे ओके। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही हूं आपको ओके। जैसे कि मान लो कि एक, आप एक बच्चा है ओके, एक बच्चा है, वो भी कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, पर क्या हुआ, एक दिन उसने एक कैट को देखा, किसको देखा, कैट को देखा, अब वो हैरान हो गया कि ये क्या है, ये कौन है, वो डर गया ओके, कि ये है क्या, कैट को देख के ओके। फिर क्या हुआ, उसने, उसको किसी ने बताया कि ये ना एक कैट होती है जिसके चार पैर होते हैं, दो आंखें होती है, एक पूंछ होती है, इतना बता दिया उसे ओके। तो उसने क्या किया, आत्मसात कर लिया, उसको क्या कर लिया, नॉलेज को उसमें
पहले क्या हुआ, उसने कुत्ते को देखा या सॉरी कैट को देखा, उसने बिल्ली को देखा, देख के वो क्या हुआ, एकदम डर गया। तो डर गया, अब उसने उसमें अनुकूलन करने के लिए उसने क्या किया, आत्मसात किया। क्या, जब उसके किसी ने बताया कि ये क्या है, बिल्ली है, ठीक है, कैट है, जिसके दो पैर होते हैं, आई होती है दो, एक पूंछ होती है, तो ये सब बताया उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उसने एक दिन अचानक एक कुत्ते को देख लिया। अब उस कुत्ते को देख के फिर उसने सोचा कि ये तो बिल्ली है ना, पर उसने क्या, वो उसने बोला कि ये बिल्ली है, तो फिर उसे किसी ने फिर बताया होगा कि ये बिल्ली नहीं है, जरूरी इसके दो हाथ दो पैर हैं, वो चार पैर हैं, दो आंखें हैं, एक पूंछ है, पर ये बिल्ली नहीं है। उसने क्या सोचा कि ये बस ये बिल्ली है, क्योंकि इसके दो जो आंखें हैं, चार पैर हैं, एक पूंछ है, और ये थोड़ी बड़ी है, तो हाँ ये बड़ी बिल्ली होगी, उसने ये कर लिया, बड़ी बिल्ली होगी। तो उसने उसमें जब ये कहा कि उसकी ये बड़ी बिल्ली होगी, तो ये तो क्या हो गया, उसी जानकारी में थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर ली, तो ये तो हो गया एसिमिलेशन, आत्मसात कर लिया उसने उस जानकारी में कि ये बड़ी बिल्ली है, ठीक है। बट उसके बाद उसने किसी ने बोला कि नहीं ये बड़ी बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, किसी ने बता दिया एक कुत्ता है, तो आप फिर से असमंजस में आ जाओगे, फिर से असंतुलन की स्थिति में आ जाओगे, ये क्या है, अब फिर से आप नहीं जानते, असंतुलन हो गया। उसके बाद फिर किसी ने फिर से आपको बताया कि ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि इसकी आवाज़ डिफरेंट होती है, बिल्ली की डिफरेंट आवाज़ होती है, उसने आवाज़ को बताया सो करके, ओके, कि ये बिल्ली की आवाज़ है, ये कुत्ते की आवाज़ है, इसमें ये डिफरेंट है। अब उसने क्या किया, उस जो उसने ऐड कर लिया था अपने अंदर कि ये बड़ा कुत्ता, बड़ी बिल्ली है, तो उसमें सुधार किया कि ये कुत्ता है, ठीक है, और इसमें इसकी आवाज़ डिफरेंट है, होती तो चार पैर, एक पूंछ और दो आंखें हैं, पर और कलर भी, अगर उसका ब्लैक था तो उसका भी ब्लैक है, उसका वाइट था तो इसका भी वाइट है, पर ये क्या, इसकी आवाज़ डिफरेंट है, तो इसे कुत्ता बोला जाता है, ओके। तो ये उसने क्या कर लिया, संशोधित कर लिया अपनी जानकारी में, जब किसी ने बताया उसे, ठीक है। तो ये हो गया समायोजन, क्या हो गया, समायोजन। उसके बाद अब समायोजन होने के बाद फिर से वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना संतुलन की स्थिति में, ओके। तो ये हमारा चक्र घूमता रहता है, ठीक है, पहले इसको पहले एसिमिलेशन में आएगा, फिर असंतुलन की स्थिति में आएगा, फिर समायोजन, फिर किस में आ जाएगा, आपका संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। अब एक चीज और, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्ड है, पक्षी है, तो जब पक्षी उड़ता है तो बच्चा एक दिन कहता है कि ये क्या है, ठीक है, तो वो डिस इक्विलिब्रियम में हो गया, वो असंतुलन की स्थिति में हो गया, ओके। तो वो किसकी स्थिति में हो गया, असंतुलन की स्थिति में हो गया कि ये तो क्या उड़ रहा है ना, तो उसे किसी ने जानकारी दी कि ये पक्षी है, क्या है, पक्षी है, तो उसने कि मतलब उसने अपने जो ज्ञान है उसमें ऐड कर लिया क्या कि ये पक्षी है, ठीक है, जो कि उड़ता है, ठीक है, ये जो आसमान में, ओके, ये उसने क्या कर लिया, अपने अंदर रख लिया। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एरोप्लेन निकली, थोड़ी बड़ी थी, ठीक है, तो फिर उसने उसको भी पक्षी समझ लिया, है ना, तो असंतुलन की स्थिति आ गई, उसने उसको क्या सोच लिया, पक्षी सोच लिया, ओके। सो फिर उसने फिर किसी ने बताया कि ये पक्षी नहीं, ये एरोप्लेन है, उसके बारे में बताया, एरोप्लेन के बारे में बताया कि ये कैसे क्या वर्क करता है, इसमें इंसान बैठ के जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको बताई। तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, उस जो पक्षी था उस जानकारी में उसने ऐड कर लिया, हाँ वो पक्षी भी उड़ता है पर कोई चीज़ और भी है जो कि उड़ती है, वो क्या, एरोप्लेन है, पर ये डिफरेंट है उससे, तो ये क्या किया, उसने संशोधित किया, ओके, उसने मॉडिफाई किया अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें मॉडिफाई किया उसने, ठीक है, न्यू नॉलेज को इंक्लूड करके, ओके। सो ये था हमारा क्या, समायोजन, ठीक है। तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होता क्या है, ओके, यानी आत्मसातकरण और समायोजन होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ओके। तो जैसे कि ये मार्कर है, पहले मार्कर चलती थी वो मिटती नहीं थी, तो मार्कर उसने देखी, उसने कहा अच्छा इसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ, मार्कर तो देखी, उसने कहा कि एक या फिर परमानेंट मार्कर हुई, ठीक है,
ठीक है, उसने लिखा, अब वो छूट ही नहीं रहा। उसने कहा पहले तो ये छूट रहा था, अब ये छूट नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया? या फिर पहले जो था वो पानी से छूटता था, अब ये अचानक हाथ से ही छूटने लगा, इसमें क्या है डिफरेंट? तो उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया अपने प्रीवियस नॉलेज में कि अच्छा इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण क्या होता है, इसको आसानी से मिटाया जा सकता है, या फिर इसमें ऐसी चीज़ होती है जो कि फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो होगी उसमें नॉलेज को ऐड करना, तो अपने पुराने स्कीमा में कुछ नया ऐड करना, अपने पुराने स्कीमा में कुछ नया ऐड करना तो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। अब उस प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को तो ऐड करना है, पर उस न्यू नॉलेज में कुछ मॉडिफाई करके इंक्लूड करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, समायोजन यानी एकोमोडेशन, ओके। क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा यानी समायोजन हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी आत्मसातकरण और समायोजन क्या है, ओके। सो आई होप कि समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको नहीं आ रहा, बार बार आप पढ़ो, बार बार वीडियोस देखो जब तक ये समझ में ना आ जाए, और इसे अपने मन के अंदर बिठा लो कि क्या होता है ये, ओके। तो ये हमारा था आत्मसातकरण या समायोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, तो ये सब जानकारी किस में ऐड की जाती है, स्कीमा में ऐड की जाती है, अपने अंदर अपना जो रूल्स, जो अपने अंदर सेटअप होता है ना, स्कीमा होती है ना जानकारी का सेटअप, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, स्कीमा में ऐड किया जाता है। तो ये था हमारा एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन, संतुलन, ठीक है, डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन, ये सारी चीज को हमने पढ़ा। तो जीन प्याजे में हिंदी में इनको लिख दूं, कोई कोई होगा हिंदी में, जीन प्याजे, ठीक है। तो ये जीन प्याजे की थ्योरी है, जीन प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे। तो अब हम जानेंगे कि इन्होंने क्या दिया, डेवलपमेंट की स्टेजेस दी, क्या दी, डेवलपमेंट की स्टेजेस दी। तो हम उनकी स्टेजेस देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेजेस आएगी हमारी, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सारी स्टेज को लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे को समझेंगे, ओके। सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर इसको बोलते हैं सेस्वावस्था, ओके। सॉरी, संवेदनशील बोलते हैं, संवेदनशील कौशल, ओके। इसकी जो स्टेज होती है कहां से कहां तक होती है, तो बर्थ से टू ईयर, बर्थ से टू ईयर्स होती है, ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे, दूसरी है हमारी प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ओके। स्टेज यानी अवस्था, संवेदनशील कौशल अवस्था। अब इसकी क्या होती है, इसकी होती है थ्री से सिक्स ईयर, या टू से सिक्स भी कर लेंगे,
टू से सिक्स ईयर। ओके नेक्स्ट होगी हमारी, नेक्स्ट हमारी क्या होगी, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट नेक्स्ट होगी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको बोलेंगे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये कहां से कहां तक होगी, तो ये हमारी होगी 7 to 11 ईयर्स। ओके 7 to 11। नेक्स्ट है फोर्थ, जिसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल या एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ओके सो इसे बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मकता। तो इसकी एज कितनी होती है, 11 टू एवर। ठीक है, तो ये है हमारे चार स्टेज थी, कितनी फोर स्टेज दी हैं। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर क्या है, संवेदनशील कौशल या संवेदनशील अवस्था। तो ये कौन सी होती है, ये बर्थ से 2 ईयर होती है, यानी जन्म से 2 साल तक ये स्टेज रहती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व, यानी जो ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वो किस में होती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होती है, ये होती है हमारी संवेदनशील यानी सेंसरी मोटर में। ये जो हमने पढ़ा सेंसरी मोटर वो वस्तु स्थायित्व, तो ये किस में होता है, ये सेंसरी मोटर में होता है। वस्तु स्थायित्व क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, जैसे कि मान लो कि बच्चा कोई चीज़ से खेल रहा है, ओके उस चीज़ से बच्चा खेल रहा है और आप उसे छुड़ा लो, उसको अलग कर दो। उसके बाद अगर बच्चा मान लो कि उस चीज़ के लिए रोने लगे, तो यानी उसमें क्या हो गया, विकसित वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया। ये 1 साल से 2 साल के बीच में होता है। ओके वस्तु स्थायित्व बच्चों में कब आता है, 1 साल से 2 साल के बीच में आता है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो कब आती है, 1 से 2 साल के बीच में आती है। अब क्या हो, जैसे कि बच्चे ने क्या किया कि मान लो कि बच्चा जो है उसके सामने आप कोई चीज़ लेके आए, वो उससे खेल रहा है और आप उसको अलग कर लो, उसके बाद अगर बच्चा रोने लगे उस चीज़ के लिए, तो मींस क्या है, उसमें वस्तु स्थायित्व तो हो चुका है, वस्तु स्थायित्व तो जो है वो आ चुकी है उसके अंदर, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुकी है उसके अंदर। जैसे कि हमने, आपको पता हो आजकल तो बच्चे में ये बहुत ही कम पाया जाता है, आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम जो था हम लोग के टाइम पे, तो बच्चों को हमेशा ऐसे किया जाता था, आईता किया जाता था, ओके तो फिर छुपा लेते थे, फिर माँ ऐसे करती थी फिर छुपा लेती थी, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता था देख के, हो जाता था कि नहीं, हम लोग के साथ भी हो जाता था। हम लोग थोड़ी देर के लिए, मतलब जैसे हम लोग के सामने छोटे बच्चे हुए, तो हम लोग भी छोटे बच्चों के सामने थोड़ा छुप जाते थे, छिप के फिर देखते थे, फिर उसके पास आ जाते थे, फिर छिप जाते थे, फिर उसके पास आ जाते थे, तो क्या होता था, इससे बच्चा बहुत खुश हो जाता था। ओके तो ये चीज़ें जो है ये वस्तु स्थायित्व, यानी बच्चे के अंदर वो चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ है वो उसके अंदर स्थापित हो गई है, कहीं ना कहीं बैठ गई हैं। ओके यानी वो उसे याद करने की क्षमता उसके अंदर आ गई कि कोई वस्तु थी जो हमें अभी दिखाई गई थी,
अब वो हमसे छीन ली गई है, वो हमसे अब दूर कर दी गई है, उसके लिए बच्चा फिर रोता है। और जब बच्चे के सामने कुछ लाओ और फिर हटा दो तो फिर बच्चा कोई भी क्या करता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। ओके, तब क्या होता है, यानी उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं आया है। ओके, सो जब वस्तु स्थायित्व आ जाता है तो बच्चा क्या करने लगता है, उस चीज़ की मांग करने लगता है कि लाओ, रोने लगता है जब तक उसके पास फिर से वही चीज़ ना रख दो। ओके, तो ये है वस्तु स्थायित्व। अब हम करेंगे प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो सेकंड स्टेज होती है। अब ये बात याद रखिएगा, ये क्रम से है, इसको ऐसे ही याद करना, क्रम से पूछा भी जाएगा कभी कभी, ये जो हमारा आ जाता है ना क्रम में लगाने के लिए, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, ये होती है हमारी 2 से 6 साल। कब से कब तक? 2 से 6 साल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें जैसे कि बच्चा जो तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे बच्चों में तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत होती है, पर वो सोच नहीं पाता पर शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें, जैसे अपलटा वाली आ जाती है। ओके, जैसे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो जीववाद आता है, जीववाद यानी एनिमिज्म। अब एनिमिज्म में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि कृष्ण जी हैं, वो माँ से कहने लगते हैं कि माँ मुझे वो चांद लेके दे दो, या कोई बच्चा है वो कहता है कि वो सूरज को एक गेंद समझ लेता है और वो माँ से हट करता है कि मुझे वो गेंद चाहिए है। ओके, क्या चाहिए, मुझे वो गेंद चाहिए है। तो माँ क्या करती है, ये जीववाद है, यानी उस चीज को वो क्या, उसमें जीवन, उसमें जीव ढूंढने लगता है, उसको हकीकत समझने लगता है कि वो हकीकत है, वो मेरे पास आ जाएगी, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसे खा लूंगा, मैं ले लूंगा, तो ये चीज वो सच में समझने लगता है। तो ये होती है जीववाद, जीवन देखने लगता है हर एक चीज में। तो आप क्या करते हो, उसका सोल्यूशन अब ला तो सकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आ नहीं सकती, पर उसे तो पता नहीं है ना कि वो आ सकती है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो जीववाद है ना। तो आप क्या करते हो, थाली सजाते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर देखते हो उसमें उसकी छाया जो आती है चंद्रमा की, उसको दिखा देते हो कि देखो ये है ना। तो ऐसे करते हो, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत हट करते हैं, हट तो छोड़ते ही नहीं है, है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे आता है, बिजली कैसे कटकती है, मतलब पानी कैसे बरसता है, ठीक है, ये बिजली कैसे बनती है, ये कूलर कैसे चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें वो पूछने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है, तो ये क्वेश्चन एज भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी उसमें क्या होती है, पलटा वाली नहीं होती है, अपलटा वाली होती है। ओके, तो एक रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो होती है। ओके, अब और क्या पढ़ेंगे इसमें, अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अतार्किक रूप से समझ रहती है उसकी, अतार्किक सोच तो होती है, तर्क मतलब आपको तार्किक रूप से नहीं सोचता, अतार्किक रूप से सोचता है। बच्चे जो होते हैं वो अतार्किक रूप से सोचते हैं। ओके, यानी वो तर्क करते हैं पर उनका तर्क ऐसे ही रहता है, ठीक है, कोई मतलब नॉनसेंस तर्क रहता है मीन्स। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो हमारा संरक्षण होता है वो नहीं होता है, ठीक है, तो संरक्षण जो रहता है वो यहाँ पे नहीं आता है। ओके, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण की कमी होती है इस स्टेज में बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चे के अंदर अहम केंद्रित होता है, यानी बच्चा के अंदर अहम केंद्रित मतलब क्या होता है, वो अपना सोचता है, और अहम केंद्रित होता है ईगो सेंट्रिक होता है, मीन्स बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगो सेंट्रिक हो गया, ठीक है, कि बच्चा अपने बारे में सोचता है, अहम केंद्रित, जो कि किसने बोला है, जीन प्याजे ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और क्या बोला है कि बच्चा जो होता है वो एक समय पर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे फोकस नहीं कर पाता है वो। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल। क्या करेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल। अब ये क्या होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, तो कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, मूर्त होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूर्त क्या होता है, जिसको छुआ जा सके,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको छुआ जा सके, मूर्त में छुआ जा सके, ठीक है। तो जिन चीजों को छुआ जा सके उन्हीं के बारे में तर्क करना, ठीक है, सिर्फ उन चीजों के बारे में तर्क करना ही आता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो चीजों को छू सके सिर्फ उसके बारे में ही तर्क करना आता है, ठीक है। तो ये है कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कहाँ से होती है? 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तो स्कूल एज होती है, गैंग एज होती है, इसमें बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है, बच्चों के अंदर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट, और कंक्रीट से क्या बनता है? सी, सी, कंक्रीट मीन सी, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट चीज सी 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 एस याद रखिएगा, सी 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 एस। तो क्या होता है, सॉरी, सी सी एस होता है, सी सी एस। तो सी से क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन हो जाएगा। इनमें ये चीजें होती हैं, किसमें? कंक्रीट में, सी फोर कंक्रीट, सी फोर चीजें रहती हैं, ठीक है। कंजर्वेशन होता है, और क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, और एस से क्या हो गया हमारा? सीरिएशन होता है, यानी सीरीज, क्रमिकता होती है, इसमें क्रमिकता हो गया। ये कंजर्वेशन मीन संरक्षण हो गया, और क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण हो गया। क्या? वर्गीकरण, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल में होती है। कौन सी? संरक्षण होता है। संरक्षण मींस जानते हो ना क्या होता है संरक्षण? तो संरक्षण क्या हो? कंजर्वेशन जो हो गया वो क्या हो गया? कंजर्वेशन मींस ग्लास, वही ग्लास जो होता है, तो उसमें ये चीज होती है उनके अंदर की जो ग्लास होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा मूर्त संक्रियात्मक जो था, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा कि जो मूर्त संक्रियात्मक होती है, प्लेस मीन्स इसमें ग्रुप में स्टडी करते हैं, पीयर्स ग्रुप बनाते हैं बच्चे, स्कूल एज होती है ये, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इसमें फ्रेंड्स सर्कल होता है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं? और कंजर्वेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, सीरिएशन आता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं, इंक्लूड होती हैं, ठीक है, इनके अंदर। तो हमेशा पूछा जाएगा कंजर्वेशन पाया जाता है कौन सी अवस्था में, तो कौन सी अवस्था में होगा? ये हमारा मूर्त में होगा, ओके, कौन से में? मूर्त में, ठीक है। अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, बच्चे में जो डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वर्गीकरण करना होता है वो आता है, यानी वो क्या कर पाएं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसका डिफरेंस कर पाएं, तो वो क्या होती है, कौन सी एज होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इसमें? बच्चे जो मूर्त मीन जो छूने वाली चीज़ें होती हैं, उन छूने वाली चीज़ों को छू कर ही सीखते हैं, ठीक है, उनका ही सिर्फ तर्क कर पाते हैं वो, ठीक है। तो ये कौन से, कहाँ से कहाँ तक है? ये 7 से 11 वर्ष तक है। इसमें ट्रांसमिटिव रीजनिंग पाई जाती है, यानी इसमें संबंधों को क्या करना, दर्शाना, यानी संबंध बताया जाता है कि इसका संबंध इससे कैसा है, किस प्रकार संबंधित है। तो ये चीज़ें होती हैं जो जब बच्चे में ये चीज़ विकसित हो जाती है तो कौन सा होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ओके। यानी जैसे कि बच्चे हैं तो उनमें हो गया आपका कि जैसे ए बड़ा है बी से, या और बी बड़ा है सी से, तो बताइए कि सबसे बड़ा इनमें से कौन है। तो ये निकाल पाना तो किस में आ जाएगा? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। यानी वो क्या करेंगे? वो संबंध दर्शा सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर संबंध दर्शाने की जो सोच होगी, तर्क रीजनिंग होगी, वो विकसित हो जाएगी, ओके। सो ये था हमारा कंक्रीट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? फॉर्मल ऑपरेशनल यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से होती है? 11 से ऊपर के लिए होती है, ठीक है, 11 से स्टार्ट होती है, उनसे ऊपर जो होती है उनके लिए होती है, ठीक है, 11 से ऊपर के लिए होती है, जैसे किशोरावस्था वगैरह ये सब भी आ जाएंगे किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएंगे। अब ये क्या है? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। अमूर्त क्या है? अमूर्त होता है जिसे बिना टच की, जो चीज़ हो बिना टच,
किए वो चीज़ हो, जैसे कि हम कल्पना कर सकें, परिकल्पना करना। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, उनको पता नहीं होता फिर भी वो परिकल्पना कर लेते हैं कि आगे ऐसा होने वाला है या इससे ऐसा होगा, ठीक है। तो परिकल्पना करना, उन उस तक का सोच लेना, बाहर तक जो चीज़ हमारे सामने भी नहीं है उन चीज़ों का भी सोच लेना, तो वो क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, ठीक है, अमूर्त चिंतन या अमूर्त संक्रियात्मकता। ओके, सो ये हो गया, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल था, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो इंक्लूड होती है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, मीन्स निगमनात्मक तर्क जो होता है वो आ जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि इस जनरल से स्पेसिफिक जाना या जो रूल्स होता है उससे एग्जाम्पल की तरफ जाना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तो ये हमारा हो जाएगा, सीधी सी बात है, डिडक्टिव रीजनिंग, ओके, निगमनात्मक तर्क, ओके। सो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया और सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल क्या होते हैं, कंक्रीट क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, ये सारे कुछ समझ में आ गई होंगी स्टेजेस। तो ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग स्टेजेस थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में एक एक चीज़ पूछा जाता है कि बस तो इस टाइप से बच्चों में कौन सी एज में होता है, या फिर बच्चों में जो रिविजिबिलिटी होती है वो कब आती है, या कंजर्वेशन कब होता है, कब आता है उसके अंदर, या क्लासिफिकेशन बच्चा कब कर पाता है, ठीक है, तो सीरिएशन वगैरह का कब कर पाता है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि प्ले जो एज होती है वो कौन सी होती है, स्कूल एज कौन सी होती है, बच्चा जो होता है क्वेश्चन कब पूछता है ज़्यादा, तो क्वेश्चन एज कब होती है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे छोटे छोटे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि ये चीज़ें बहुत ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहीं का कहीं लगा के आ जाते हैं आंसर, है ना। तो ये चीज़ें बहुत याद रखना है कि वस्तु स्थायित्व यानी सेंसरी मोटर में ही होता है, ठीक है, और या जीववाद वगैरह हैं ये सब किस में होते हैं, ये प्री ऑपरेशनल में ही होता है, ठीक है, या कंक्रीट ऑपरेशनल में जैसे कंजर्वेशन हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, ये किस में होता है, तो ये कंक्रीट में ही होता है, ठीक है। और जैसे कि अब औपचारिक तक पता ही है आपको, बच्चों में बड़े बच्चे हो जाते हैं किशोरावस्था, उनमें होता है ये निगमनात्मक जो तर्क होता है वो किस में होता है, तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में, अमूर्त संक्रियात्मकता में, ओके। सो ये स्टेजेस थी जीन प्याजे की, ये थ्योरी थी। सो आई होप कि समझ में आई होंगी क्या होता है स्कीमा एंड क्या एसिमिलेशन है, क्या एकमेंडेशन है, ठीक है, क्या इक्विलिब्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।